वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हेयर स्टाइल शुरू करने से पहले मैं कुछ कमेंट्स आए थे, मुझे उसका मैं रिप्लाई कर देती हूँ। जो कि मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा था कि मैम क्या वैक्स कराने से दोबारा से हेयर ग्रोथ होते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इसका एक लिमिट है, जैसे कि किसी के एक मंथ से हो जाते हैं, किसी के 15 दिन से होने लग जाते हैं, परमानेंटली हेयर नहीं जाते हैं वैक्स कराने से। तो उन्होंने पूछा था कि मैम वैक्स कराने से क्या परमानेंट हेयर रिमूव हो जाते हैं। तो जी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप वैक्स कराओगे तो थोड़े दिन तक, 15 दिन तक मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक आपका हेयर नहीं ग्रोथ होगा, उसके बाद से आपका हेयर दोबारा ग्रोथ हो सकता है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपलोड कर दीजिएगा। और हाँ, मुझे डैंड्रफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम बहुत ज़्यादा हेयर में डैंड्रफ हो रहे हैं। तो डैंड्रफ के लिए आप क्या करोगे, मेथी दाना जो आता है हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, मेथी दाना ले लो और थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा लहसुन का कली, और उसको अच्छे से उबाल लीजिए। जब वो अच्छे से ठंडा हो जाए तो उसको छान के एक बर्तन में रख लीजिए, उसको अपनी जड़ों में अप्लाई कीजिए। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे और डैंड्रफ 100% चला जाता है, और आपके बालों में शाइनिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है और हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। तो आज का हेयर स्टाइल शुरू करते हैं। तो आज का हेयर स्टाइल कुछ डिफरेंट टाइप्स का है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा हेयर स्टाइल अच्छे से देखने के लिए। और मेरे चैनल पे अमेजिंग हेयर स्टाइल्स की वीडियोज आप लोग को मिलते रहेंगी, तो ज़रूर देखिएगा। और आपको भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं उनसे। तो आपको क्या करना है, आपको बैक से ठीक है, इसको आपको सिंपल ब्राइड बना लेना है। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको और ब्राइड बना लेंगे। आप सिंपल ब्राइड भी बना सकते हो, लेकिन आप एग्ना शो तो सिंपल ही बनाइएगा। चाहो तो आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का भी ब्राइड बना सकते हो, 4 में 5 में या फिर छोटी छोटी जो होती है उस टाइप से आप बना सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ब्राइड्स की हेयर स्टाइल की वीडियो है मेरे चैनल पे। एक ही वीडियो में मैंने 10 अलग अलग टाइप के ब्राइड्स की चोटियाँ बनाना सिखाया था। तो आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर चोटियाँ बना रही हूँ। चोटी इतनी लंबी होनी चाहिए कि आपके माथे पर से बैक साइड तक जा सके। अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं तो ये वाला हेयर स्टाइल आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। ओके, और लंबे हैं तो आप बैक से स्टार्ट कर सकते हो। नीचे आके आपके हेयर हो सकता है कि मेरी तरह बहुत खपले हों, तो इस तरीके से इसको खींच लीजिए, क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा लेयर्स में कटे हुए हैं, इसकी वजह से ये खपले दिखते हैं नीचे से। ये वाला लेयर्स आपको ऐसे लेके आना है और इधर से इस तरीके से यहाँ पे आपको पिनअप कर देना है। इसको कितने क्लिप या फिर जितने भी आपको ईजी हो वो आप लगा दीजिएगा, 2 क्लिप लगा दीजिएगा ताकि आपका हेयर निकले ना। ये सब कॉलेज गर्ल्स के लिए या फिर जींस टॉप वगैरह पे आप ये बना सकते हो हेयर स्टाइल, और ऊपर से अपने बाल दोबारा से इस तरीके से गिरा दीजिए। ओके, अभी क्या करना है, फिर से आपको यहीं से हेयर लेना है। जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको आप निकाल दीजिएगा अच्छे से। तो ये हमने बना लिया है हेयर स्टाइल। अब ये आपको जो हेयर है इसको थोड़ा ऊपर से ले लीजिएगा, और ये जो ब्राइड है इसको नीचे की तरफ फैलाइएगा। ओके, और यहाँ से अपने हेयर उठा के और यहाँ पे आप इसको क्लिप लगा दीजिएगा। डबल क्लिप लगानी है ताकि आपका ये हेयर है, क्योंकि काफ़ी छोटे हैं मेरे पास, तो निकल ना जाए। डबल क्लिप लगा देते हैं, वो वहीं पे अटैच हो जाते हैं अच्छे से। ओके,
तो ये हमारा हेयर स्टाइल, फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है अच्छे तरीके से। तो उसमें आप इस तरीके से लगा दीजिए। तो ये था, ये हेयर स्टाइल अब बिग फॉरहेड है आपका, तो आप कर सकते हो। देखिए मेरा निकल गया यहाँ से अच्छे से, इसको टाइट कर दीजिए। जब आप क्लिप लगा रहे हो तो इस तरीके से क्रिस क्रॉस कर दोगे तो ये नहीं निकलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, इसका बिग फॉरहेड है, उस पर काफ़ी अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको इस तरीके से जो आपका आईब्रो का आर्च है, यहाँ से ऐसे हेयर लेने हैं और बैक तक लेके जाना है। लेसर की मदद से यहाँ पर अटैच कर देना है। और जो आपका ये हेयर बचा हुआ है, यहाँ से आपको ब्राइड बनानी है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट, मैं पीछे से स्टार्ट करती हूँ। आपको जहाँ से कंफर्टेबल है आप वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। ब्राइड बना लो या फिर ट्विस्ट कर लो, जैसे भी आपको इजी लगे इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से ट्विस्ट कर रहे हो तो इसको थोड़ा थोड़ा सा खींच के जाओ, ताकि थोड़ा सा अलग सा दिखाई दे। थोड़े से हेयर पकड़ लेना और इस तरीके से खींच देना है थोड़ी दूरी दूरी पर, ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा। जो आपने यहाँ पे मांग बनाई हुई है, यहाँ पे इसको ले जाके क्लिप से अटैच कर देना है। और एक से इसको अच्छे से सिक्योर कर देना है, ताकि ये निकल ना जाए। देख लीजिए क्लिप कैसे लगानी है, किस तरीके से लगानी होगी। अब आपको दूसरी साइड से आपने यहाँ पे राइट साइड से आपको स्टार्ट कर देनी है। और जैसे अपने ऊपर वाले पे खींचा था इसी तरीके से, इससे भी आप थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच लोगे। इस तरीके से हमने खींचा है और इसको भी यहाँ पे ले जाके जो हमारी मांग निकली हुई थी यहाँ पे आपने इसको अटैच कर देना है। क्रिस क्रॉस में क्लिप जरूर लगाएगा, इससे आपका हेयर कितना भी छोटा हो निकलता नहीं है। ओके, अभी क्या करना है, ऊपर जो आपने हेयर निकाले थे उसको इस तरीके से
फॉर्म करना है ऊपर की तरफ ही। इसको हल्का सा ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके जैसे हमने इस चोटी में आगे जो फ्रंट में लिया है उसमें जैसे निकाला है वैसे ही इसको भी खींच लेना है, मतलब लूज सा बन बना देना है। और यू पिन से चाहो तो जैसे भी आपको इजी लगे वैसे आप इसको सिक्योर कर लें। ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। अच्छा होता है फ्रंट से हेयर भी निकाल सकते हैं। अगर आपके बैंक बहुत छोटे हैं तो आप निकाल लीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल है और आज के लिए ये दो यूनिक हेयर स्टाइल जो कि मैंने खुद से क्रिएट किए हैं। बाकी आप लोग को कैसा लगा ये हेयर स्टाइल जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फ्रंट से इसका लुक कुछ इस तरीके का है, बैक से बैक का भी पाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और भी इस तरीके की वीडियो देख लीजिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बट ये गर्मियों में ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, आपको सर्दियों के लिए बेस्ट रहेगा और कॉलेज गर्ल्स है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे भी सपोर्ट करते हैं। बाय बाय।